हो गया तो गाइस बीजीएमआई, पबजी लाइट, पबजी मोबाइल, जो भी जितने भी गेम चलते रहेंगे। नया सेटअप अपना बन चुका है, बस अपना जो मैन पीसी था, मतलब जो सेटअप की कॉस्ट से ज्यादा जो पीसी बनवाया था हमने, 4,75,000 के समथिंग वो था पीसी, वो सीपीयू, सीपीयू सीपीयू थोड़ी बोलते हैं भाई, सॉरी गलती हो गई। देखो मजाक सेट के मजाक कर रहा हूँ, हमने पीसी बनवाया था पुराने वाला पीसी, ये है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अब वो पीसी जब तक आएगा नहीं, अपना सेटअप अधूरा है, लेकिन हम उसकी वीडियो, अब वो सेटअप आ जाएगा, मतलब आई थिंक वो आ जाएगा, ब्लॉग वाले चैनल पे सेटअप की वीडियो आएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ चैनल का। सारे वो जितने भी देख रहे हो, 50, 100, 200, जाओ सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे व्लॉग पड़े हैं, कुछ भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और अब मैं थोड़ा सा आपको सेटअप दिखाता हूँ, क्या कहानी थी, क्यों पीसी वो खराब हुआ, पूरी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। अगले 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था, किसने किया, क्यों किया। आ जाओ। देखो बहुत सारे ज्यादा घुमाना नहीं है, सीधी सी बात थी। पहले ऐ कर लेते हैं। ये जो पीसी दिख रहा है आपको, ये पहला पीसी था, तो ये तकरीबन नॉर्मल था, 1,05,000 कुछ का पड़ा था, ठीक है। तो उस टाइम पे सही था, GTA 5 सारे गेम चलते थे। अब जैसे जैसे लोड बढ़ा ना, इसका लोड फट गया भाई। सारे गेम इसमें क्या है, FPS 10 FPS, 25 FPS, प्रॉपर FPS नहीं मिल रहा था, लेग कर रहे थे। अभी स्ट्रीम करते हैं तो और थोड़ा गेम पे लोड पड़ता है। नया पीसी बनवाया सितंबर में हमने, ऑर्डर दिया, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि पेमेंट नहीं किया, पूरा पेमेंट कर रखा उनको। अक्टूबर में वो पीसी आया था, आई थिंक 20 अक्टूबर को या सितंबर, अक्टूबर में आया था शायद, ठीक है, मान लो अक्टूबर में, जब भी है अक्टूबर से पहले पहले वो पीसी मेरे पास आ गया। अब देख लो, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में चला दूंगा। उसको मैं लेके आया खुशी खुशी, पूरा वो 4,75,000 कुछ का था, तो वो हम लेके आए। RTX 4090 था। किससे बनवाया? मिस्टर पीसी वालों से वो बनवाया था, पहले भी उनसे ही बनवाया था, तो ठीक है। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, रुको रुको एक बार, उनकी गलती नहीं कि उन्होंने खराब भेजा जानबूझ के। नहीं, मैंने उनको बोला कि आसूस के पार्ट डाल दो, सारे के सारे, आसूस का ग्राफिक कार्ड, आसूस की मदरबोर्ड, आसूस की पावर सप्लाई, जो भी मतलब जितना आए वो आसूस का कर दो। उन्होंने वो ग्राफिक कार्ड है वो GT दूसरा ही कर दिया, RTX आसूस का नहीं किया, वो जी फोर्स अलग ही, साला नाम भी नहीं आ रहा, छोड़ो, वो भी ठीक था मतलब, लेकिन अगर आसूस के पार्ट करते ना तो वो आपको बाद में पता चलेगा। तो उन्होंने पावर सप्लाई आसूस की डाली, मदरबोर्ड आसूस की नहीं थी, और कुछ भी आसूस का नहीं था, पावर सप्लाई थी वो आसूस की थी, और ग्राफिक कार्ड थे, मदरबोर्ड थे वो अलग थे, रैम थी वो सही थी, डोमिनार की, डोमिनेटार, जो भी, साला नाम भी नहीं आ रहा मेरे को, तो ऐसे ऐसे पार्ट थे, एक दो पार्ट मेरे थे बाकी उन्हीं के थे, मतलब ऐसे नहीं कि नकली पार्ट थे, जेन्युइन, वो भी मतलब कंपनी के ही पार्ट थे, बढ़िया थे। अब होता क्या है, पीसी चलाया मैंने, अब उसमें वही गेम मैंने चलाया जो इसमें लोड कर रहा था, क्योंकि अब तुम्हें पता कोई लेग करता है, नया डिवाइस लाते हो तो वही चलाओगे, मैंने चलाया कि खुशी खुशी। अब जैसे ही चलाया मैंने, थोड़ी देर चलता, अब जैसे मतलब लोड पड़ता है गेम पे, एक तो था नॉर्मल आप चला रहे हो, लोड पड़ती है गेम है वो क्रेश हो जाता है, ठीक है। मैं सोचा कोई गेम की प्रॉब्लम होगी, तो हमने ओरिजिनल साइट से गेम परचेज किए, वो खेले, वो भी क्रेश कर रहे थे। उनको मैंने कॉल लगाया, वो बोले विंडो में प्रॉब्लम होगी, वो फलाना दिमाग का, विंडो मैंने चेंज करवा ले, अब बोले ओरिजिनल विंडो डाल दो, भाई वही गेम इसमें सही चल रहा था, इसमें सही कैसे, उन्होंने बोला ओरिजिनल विंडो डलवा लो, अब जो गेम उसमें चला वो इसमें सही चल रहा था, तो इसमें भी वही विंडो है सेम, उसमें वो विंडो डाल दी मैंने, ठीक है, नहीं हो रहा। फिर मैंने उनको रैम और SSD थी वो वापिस से रिटर्न कर दी कि ये देख के चेक कर दो, उन्होंने वापिस भेज दी वैसे के वैसे, भाई नहीं चला। नवंबर, दिसंबर, जनवरी निकल गया, अरे क्रैश हो रहे हैं, काम का पड़ा है, तो अब मैं वो करेंगे करेंगे, हम टीम को बोलते हैं कुछ कुछ नहीं भाई। फिर मैंने किया बॉक्स पैक, वीडियो में आपको चला दूंगा, देखते जाना, ठीक है। बॉक्स पैक किया, बस में यहां से रखा, गाड़ी में तो जाएगा नहीं, बॉक्स भी बहुत बड़ा था भाई, ठीक है, गाड़ी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस में रखा। अब हम शाम को निकले 2-3 बजे, यहां से झुंझुनू, राजस्थान झुंझुनू से सीधा लखनऊ, अयोध्या राम मंदिर, ठीक है, तो निकले रात शाम, अभी शाम के 2 बजे निकले हम, दोपहर के 2 बजे से, और कल सुबह हम सुबह 4 बजे पहुंचे वहां पे। फिर उनको दिया, वो वहां पे मान नहीं रहे, बोल रहे पार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, ये पीसी का ही प्रॉब्लम, विंडो का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। मैं भी भाई कम नहीं था, मैंने गेम चलाई उधर, जब तक क्रैश नहीं करेगा मैं उठा नहीं भाई, 3-4 घंटे मैंने गेम चलाए, सारे गेम क्रैश कर रहे थे, खचा खच खचा खच, देख लो मैंने पकड़ा दिया। 28 फरवरी को मैं उनको देख के आया, 28 फरवरी
मार्च अप्रैल मई 3 महीने तो पूरे पूरे निकल गए, 3 महीने पूरे पूरे हो गए। अब मैं उनको 1.5-2 महीने बाद कॉल किया क्योंकि इतने में बिजी हो गया भाई, काम और भी काम थे, आराम से करने दो। मैं बोला कि 2 महीने लगने दो ताकि अच्छे से कर, कुछ नहीं कर रखा उन लोगों ने। मतलब बोल रहे हैं हम दिन रात इसमें गेम ट्राई कर रहे हैं चला के, भाई 2 महीने से गेम ही चला रहे थे वो, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा बोला तो बोल रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये कंपनी के पार्ट्स है, वो ही देखेंगे। अरे तो मैंने तो आपसे बनवाया, आपने बोला था कि कोई भी दिक्कत आए हम ठीक करके देंगे, अब या तो मना कर देते। अब जब उनको थोड़ा लगा कि हाँ भाई कर रहा है बंदा आगे से भी, तो उन्होंने बोला सारे पार्ट हम भेज रहे हैं। अभी 3 मई को मैंने कॉल किया था, अब आज फिर से 6-7, कितना आज 5 जून 6 जून, कितना जो भी है, कितना तारीख है आज, आज 6 जून है, 3 लाइट गई, कोई बात नहीं 6 जून है अभी, और भाई खत्म। अब हुआ क्या, मैंने 3 मई को उनको कॉल किया, अब कितना तारीख है 6 जून, ठीक है 1 महीने से ऊपर हो गया 3 दिन। उन्होंने चलो उन वो 3 मई को बोले सारे पार्ट दे रहे हैं, तो 2 दिन में सारे, 2 या 3 दिन में सारे पार्ट चले गए होंगे, 7 दिन जाने के, 14 दिन चेक करने के, फिर 10 दिन और चेक करने के। मान लो अभी तक बोल रहे हैं 1-2 पार्ट तो आ गया, बाकी पार्ट अभी तक सर्विस सेंटर से आए नहीं है। भाई ये 4 महीने होने वाले हैं, 4, उसकी गारंटी वारंटी गई ऐसी तैसी करवाने, और अब 4 महीने हो गए, 4 महीने में अभी तक पार्ट मेरे हाथ में, पार्ट छोड़ो कुछ भी हाथ में नहीं है। 5 लाख था वो गया, अभी तक तो गया, भैंस पानी में गई, डूब गया पानी में, कुछ ऐसा ही सीन है। और एक तो टाइम पे कॉल भी नहीं उठाते भाई, लिटरली उनको ऐसा सोचना चाहिए कि साला सामने वाला पागल थोड़ी है, कॉल तक नहीं उठाते हैं। उठाते हैं तो हम वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं फलाना धिमका, बहुत अच्छा आगे से मैं तो नहीं बनवा रहा, ये मेरा सही करके भेज दो, इतनी सी कृपा आपसे बस, आगे से हमारा तो भाई वो टूट गया खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत गंदा भाई, 3 महीने मतलब सामने वाले की गई ऐसी तैसी, भाई ऐसी तैसी हो जान दो, 3 महीने क्या होता, तुम खुद सोचो 4 महीने होने वाले हैं, 10-15 दिन और जोड़ लेना, 4 महीने, 4 महीने में पीसी सी नहीं हो रहा उनसे लिटरली। क्यों भाई, क्या कर क्या रहे हो, कुछ बोल दो तो फिर वैसे। देखो क्या होता है, बाकी इसकी वीडियो आएगी सेटअप की, सब्सक्राइब कर लेना। ये थी पूरी स्टोरी, देख के आए हम, और उसके साथ हम फिर राम मंदिर भी घूम के आए थे। जय सिया राम, अयोध्या राम मंदिर घूम के आ गए, वो बढ़िया था, कुछ तो हुआ, मतलब कुछ होता वो अच्छे के लिए होता है, वो नहीं होता तो हम राम मंदिर नहीं जा पाते। तो देखते हैं कब तक आता है सेटअप की वीडियो, उसी चैनल पे आएगी। इस पे यार साला शुरू कहाँ से करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजीएमआई का स्टार्ट कहाँ से करे ये ही नहीं पता चल रहा। करते हैं ट्राई, करते हैं हम कुछ प्रबंध, तब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके सारे भाई कमेंट करना, जितने भाई देख रहे हो कमेंट करो, कितना कमेंट कर सकते हो उतना कमेंट करो, टॉप वाले कमेंट का नाम आएगा कहाँ पे, ये टॉप टेक करना मिस्टर पीसी वाले को, ठीक है।